झारखंड के चाईबासा में एसीसी सीमेंट कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने कंपनी के प्रबंधन पर शोषण करने का आरोप लगाया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे इस संबंध में पीएम और सीएम को भी पत्र लिख चुके हैं। एसीसी मैनेजमेंट का तानाशाही रवैया को साफ देखा जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। जी संतोष, चाईबासा में एसीसी सीमेंट कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, क्या कुछ कहना है? जी, मजदूरों ने जो है एसीसी कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध जो है आंदोलन चला रखा है। पिछले 15-20 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। पहले तो मजदूर धरना पर बैठे थे, अब मजदूर ठेकेदार के समर्थन पर बैठे हुए हैं धरना पर। और यही वजह है कि कल रंग-रंग प्रदर्शन किया गया कंपनी गेट के परिसर पर। और उसके बाद जो है चाईबासा सदर एसडीपीओ वहां पहुंचे और मजदूरों से कहा कि कल आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे, लेकिन मजदूरों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यूं ही धरना पर बैठे रहेंगे। संतोष, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पीएम और सीएम को भी पत्र लिखा है, क्या है पूरा अपडेट? जी, उसमें इसलिए किया गया है कि पहले जिला प्रशासन को भी लिखा गया था कि हमारी 6 सूत्री मांगों को जो है ये किया गया, क्योंकि कोरोना काल में भी मजदूरों को कंपनी खाना नहीं दी है, कैंटीन बंद करा दिया है और उन लोगों का पैसा जो मिलना मजदूरी मिलना था वो मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। ठेकेदार को पुराने ठेकेदार को बिना वजह निकाल के नया ठेकेदार को ला रहे हैं, यही वजह है कि मजदूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी संतोष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि चाईबासा में एसीसी सीमेंट कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहें नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।